नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा जो है खास कार्यक्रम सवाल दमदार। सवाल दमदार हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से। अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लगातार सीएनजी के दाम में इजाफा हो रहा है और रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़े हैं, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये महंगाई कहां पर जाकर रुकेगी। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के लाल कुआं से हमारे संवाददाता नंदन राम मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। नंदन, कैसे देखते हैं एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ी, पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है? देखिए, यहाँ तक यह उत्तराखंड की बात है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। तक आपको बताएं कि पिछले 5 दिनों पर यहाँ पर प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि दर 320 जैसा अभी बढ़ चुका है। और मानना है पब्लिक का पब्लिक आए कि यहाँ पर परेशान हो जाती है डीजल पेट्रोल के रेटों को लेकर, और गैसों के दाम भी बढ़ चुके हैं, 50 रुपया गैस भी बढ़ाया गया है। और जिस तरह से आए दिन प्रतिदिन यहाँ पर डीजल पेट्रोल और गैसों पर इजाफा होते जा रहा है, तो आम तरीके से आम पब्लिक को काफी नुकसान पहुंचे। आम बिल्कुल। जनता भी काफी तरीके से परेशान है महंगाई को लेकर। लेकिन नंदन, अब जिस तरीके से धामी ने, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने अब मुख्यमंत्री के पद की दूसरी बार शपथ ली है, डबल इंजन की सरकार पहले भी थी और एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद एक बार फिर से मांग जो गरीबों पर पड़ी है उसको कैसे दूर करेगी सरकार? जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री का सवाल है, तो मुख्यमंत्री पिछले साल कुछ महीने के लिए यहाँ पे रहे थे, अभी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा मुख्यमंत्री तौर पे अभी उन्होंने शपथ लिया है। तो जहाँ तक माने महंगाई के दौर बढ़ते बढ़ते आए दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसमें सरकार की थोड़ा फोकस करना चाहिए कि गरीब जनता जो आए दिन आए मजदूर हैं, जो डेली रोजमर्रा का काम करते हैं, तो उनको हर यहाँ पर दूध की मात्रा भी है, जैसे दूध के है उसमें भी इजाफा किया गया है, यहाँ पर 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि गरीब जनता यहाँ पर बहुत परेशान है, नाखुश है। हालांकि सरकार डबल इंजन की सरकार इस वक्त यहाँ पर मौजूदा कार्यालय में काम कर रही है, तो तरीके से देखा जाए तो गरीब जनता उनको वोट देकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर में किया गया है। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट का रुतबा रहेगा तो गरीब जनता भी बहुत नाराज रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना और समझना होगा। होता और नंदन, जैसे कि आप लाल कुआं से आते, पहाड़ी इलाका है, और क्या क्या परेशानियां हैं वहां की आवाम की, क्या क्या परेशानियों का सामना वहां पर जनता को करना पड़ रहा है? महंगाई तो पड़ रही है और रोजगार की भी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आज तक हमारा हम लोगों के बीच गए हैं और हमारी चर्चाएं हुई हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, यहाँ पर व्यवसाय की काफी दिक्कत है, रोजगार पब्लिक युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। पिछले 5 सालों में भी डबल इंजन की सरकार रही, यहाँ पे युवाओं को कोई रोजगार के लिए कोई लाभ नहीं मिला, कोई भर्तियाँ नहीं की। जहाँ तक मानना है तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आर्मी और फौज ज्यादा, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने कोई 5 सालों में कोई ऐसी स्कीम निकाल दी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बेरोजगारी के हिसाब से बहुत बेरोजगारी है। और जिस तरीके से बेरोजगारी चल रही है उस हिसाब से यहाँ पे आदमी पलायन कर रहा है, पलायन करने का रीजन है यहाँ पे बेरोजगारी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये महंगाई जो अब बढ़ रही है, इसका असर हर तबके पर पड़ेगा, लेकिन खासकर परेशानी जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। ऐसे में एक तो बेरोजगारी की समस्या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है और फिर महंगाई अब बढ़ती जा रही है, ऐसे में जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा है एक गरीब जनता का, आवाम का। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे डेली रोजमर्रा का काम करने वाले आदमी जो काम है उनको आए दिन जो डीजल पेट्रोल का दाम है वो बढ़ता जा रहा है। आदमी की मजदूर की 400 रुपये है, 90 रुपये, 96 रुपये कुछ पैसा पेट्रोल पहुंच गया है, और जो गैस 500 कुछ रुपये पहले कांग्रेस के सरकार
साल के टाइम पर भी होती थी, उस वक्त 975 रुपए की हुई है, आज समथिंग एक महीना नहीं हुआ है, 25 रुपए एमआरपी में मैं गैस यहाँ पे बुकिंग कर सकता तो 50 रुपए तो उसमें भी इजाफा किया गया है, सीधे सीधे बड़ा 50 रुपए इसमें किया गया है, 275 रुपए की खरीदना पड़ रहा है। और डीजल में भी 1 रुपया कुछ पैसा बड़ा इजाफा किया गया है, इसी तरह 5 दिन से लगातार कंटिन्यू यहाँ पे इजाफा होते जा रहा है। तो इसमें गरीब जनता जैसी राशन पानी को लेकर मानते हैं, आए दिन रेटों में ऊपर नीचे होता रहता है, तेलों को ले लीजिए, तेलों भी आए दिन आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नंदन, अगर हम लोग खासकर लाल कुआं की आवाम की बात करें तो मुख्यमंत्री जो अब एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी बने हैं, हालांकि पूर्व की सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें तो काफी कम वक्त मिला था मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को, इस बार जो है अब देखना होगा। और क्या कुछ उम्मीदें हैं वहां की जनता की कि किस तरीके से जो है उनका मुख्यमंत्री काम करे, किस तरीके से रोजगार और साथ ही तमाम क्षेत्र में जो है आगे और बेहतर कदम उठाया जाए? इसलिए तो उसको सोचना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री। तो अभी हमारे यहाँ पे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को हरा के मोहन मिश्री के यहाँ पर विधायक बने हुए थे। तो जहाँ तक लोगों का मानना रहेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से हारे हुए तो उसमें विधायक यहाँ पे हमारे मोहन मिश्री जी का कार्य करते हैं हमारे यहाँ पर, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमें हमने एक बड़े चेहरे को हरा कर हमें इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, अगर हो सकता था कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में जीते अगर आते हो सकता है इस क्षेत्र में काफी लाभ हो सकता था। तो उसी प्रकार से अभी डबल इंजन की सरकार को भी देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को हराकर हमने उस गढ़ में पैर रखा है, यहाँ पे हमें उस गढ़ को और आगे बढ़ाना चाहिए कि आने वाले समय पे यहाँ पे ऐसा और बड़े चेहरे को थोड़ा शिकस्त दे सके। बिल्कुल है, वो तो सोचना और समझना होगा और खासकर युवाओं के लिए भी यहाँ पर कदम सरकार को उठाना होगा, रोजगार को भी लेकर के यहाँ पर कदम उठाना होगा। लेकिन जिस तरीके से नंदन अब ये पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, और जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर जो है वो तमाम चीजों पर पड़ता है, चाहे वो माल ढुलाई का मामला रहा हो, ट्रैफिक की व्यवस्था रही हो, किराए की व्यवस्था रही हो, तो उसमें वो इजाफा होने लगता है। ऐसे में गरीब जनता को और क्या कुछ उम्मीदें हैं या फिर किस तरीके से सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है, सरकार आने वाले वक्त में कदम उठा सकती है? हमने कहा जनता को जो गरीब जनता है, तो बहुत व्यवसाय वालों को बोले तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कमाई उतनी सारे टैक्स लगा तो उसमें उसके बावजूद वो किसी मजदूर को साथ में काम करने के लिए तो डीजल पेट्रोल का रेट आए दिन ऐसा बढ़ता रहेगा, तो उनको एवरेज का पता नहीं चलेगा, किसी अगर कोई गाड़ी मैंने वाले हैं उनको भी काफी हद तक नुकसान हो सकता है, वो टैक्सी चालक है या फिर डेली कमाने वाले गाड़ी वाले तो उनको भी काफी हद तक नुकसान, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़े तो आमतौर पर किराए भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, जो मजदूर वर्ग का लोग सफर करेगा तो उनको भी काफी हद तक नुकसान करना हो जाएगा। कमाई आदमी की कम होती है और किराए भाड़े में आदमी क्योंकि आदमी को घंटों दूर नहीं मिलो दूर गाड़ियों का सफर करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है और अच्छा सवाल भी उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल में इजाफा होगा, पेट्रोल में इजाफा होगा, तो कहीं ना कहीं टैक्सी या फिर प्राइवेट या फिर जितने भी संसाधन है परिवहन के उसमें भी किराए में बढ़ोतरी होगी। और खासकर नंदन, अगर बात हम लोग देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं तो यहाँ पर जब यात्रा के लिए और जितने भी यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए भक्त दूसरे राज्यों से देश विदेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब किराया महंगा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। जी जी, अभी हमारे केदारनाथ का सफर होने वाला है, तो वहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, अगर माने तो दूर दराज से आने वाले यात्रीगण तो उनको भी काफी हद तक नुकसान हो सकता है। जो आदमी अगर 3,000 का पेट्रोल लेके अगर वहाँ पहुँचता है, आज उसको 4,000 का पेट्रोल भरा के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, 1,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम टैक्सी स्टैंड की तरफ घूम लेके जाते हैं तो उसमें कमाई के हिसाब से ज्यादा महंगा जाता है।
तो आपको क्या लगता है नंदन की जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगती है तरह तरह की, और ये फिर दामों में इजाफा हो जाता है पेट्रोल डीजल के, और जब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब पुष्कर धामी की अपना जो है उत्तराखंड में सरकार, आने वाले वक्त में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिल सकता है उत्तराखंड की जनता को? अगर आने वाली सरकार इस वक्त डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, अगर आने वाले 5 सालों बाद अगर ये अपनी यहाँ पर बनाने चाहते हैं तो मेरा मानना है कि उन्हें यहाँ पे विकास कार्य की तेजी बढ़ानी चाहिए। और सभी का मानना है ये देवभूमि उत्तराखंड है, हमें यहाँ पर कहा जाता है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और स्थल यहाँ पे काफी है और घूमने लायक जगह काफी है, तो जिसमें पर्यटक भी काफी आते हैं और कहीं ना कहीं ये भी ऐसा देखने को मिलेगा कि इस बार गर्मी का माहौल भी अच्छा खासा है और लोग यहाँ पर घूमने आते हैं पहाड़ों की वादियों में और गाड़ी घोड़ा करके आते हैं। हो सकता है कि इसमें जो उसको कुछ सोचना पड़ेगा कि किराया बढ़ते जा रहा है, तेल का बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका नंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जो है जमीन स्तर की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिरकार जनता क्या कुछ सोचती है और सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिरकार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर इजाफा हुआ है तो उसके चलते यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना खासकर गरीब जनता को यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को सोचना और समझना होगा कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी को भी खत्म करने को लेकर, युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी अब सरकार को सजगता से कदम उठाना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।